देखिए रामविलास पासवान जी, आराम से रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या कैसे अब हम इसमें देखिए रामविलास पासवान जी, आराम से रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या कैसे अब हम इसमें